नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं सेट थ्योरी पर। तो दोस्तों, अभी तक कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉजिक्स हमने डिस्कस किए हैं, रिप्रेजेंटेशन समझा है, अब उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाइनाइट इनफाइनाइट होना या काउंटेबल अनकाउंटेबल होना एक ही बात है, बट नहीं दोस्तों, यहां पर एक क्लियर कट डिफरेंस है दोनों के बीच में। और ये लॉजिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज दोस्तों टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, जी हां, ऑटोमेटा में बड़ी इंपॉर्टेंस इन दोनों सेट्स की या इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की, विच काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट और काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और पहले आपसे बात करूंगा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। तो देखिए, इस पर बात करना आसान है, अगर सबसे आसान भाषा में बोलें तो भाई सेट फाइनाइट कब होगा, जब उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट कब होगा, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देखिए, एलिमेंट कितने कम या कितने ज्यादा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों फाइनाइट होने चाहिए। या जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है कॉर्डिनैलिटी की, कॉर्डिनैलिटी भी यही बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम बोल सकते हैं अगर किसी सेट की कॉर्डिनैलिटी दोस्तों फाइनाइट है तो ऑफकोर्स वो फाइनाइट सेट है, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट है। कोई एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए बात कर लेते हैं सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जो हमारे गेट में आने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए टोटल 7 to 8 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, तो ये जो सेट हो गया दोस्तों हो गया फाइनाइट। या मैं बोल देता हूं लेट मी से सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर ऑन द अर्थ। तो आप इमेजिन करिएगा एग्जैक्ट काउंट तो भी किसी को नहीं पता, ये डेली चेंज हो रहा है, बट अगर टोटल सेट की बात करेंगे दोस्तों फाइनाइट होगा। तो इट कुड बी इन बिलियंस, तो 5, 7, 6 बिलियन हो सकता है ना, लेकिन टोटल सेट दोस्तों जो है वो फाइनाइट है। या उससे भी ज्यादा बात करें, लेट मी से सेट ऑफ फिश ऑन एनी पॉसिबल एट एनी पॉसिबल लोकेशन ऑन द अर्थ। तो टोटल नंबर ऑफ फिश जो है वो हो सकता है ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा हो, बट ऑफ कोर्स फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट कौन, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट। अब आप सोच सकते हैं कोई भी एक एग्जांपल इनफाइनाइट सेट का, तो लेट मी आस्क यू सेट ऑफ स्टार्स। तो देखिए, सेट ऑफ ह्यूमंस को, सेट ऑफ फिश को या सब्जेक्ट्स को फाइनाइट मान सकते हैं, बट क्या सेट ऑफ स्टार्स दोस्तों फाइनाइट है? जी नहीं, बिकॉज हमें नहीं पता कि यूनिवर्स का साइज क्या है। अभी बात करेंगे खैर यूनिवर्सल सेट के भी, तो यूनिवर्स का साइज क्या है हमको नहीं पता। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं दोस्तों, हाँ, उसको हम मान सकते हैं इनफाइनाइट। तो ये बात तो देखिए बिल्कुल सिंपल हो गई कि भाई एक बात इसको इधर भी देख सकते हैं। देखिए, सेट जो है वो दो तरीके से हम मान सकते हैं, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। ऑल्दो कि हमने नल सेट की बात नहीं की है, बट एम्प्टी सेट वही जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, और दोस्तों नॉन एम्प्टी वो जिसके अंदर एटलीस्ट वन या उससे ज्यादा एलिमेंट हो, है ना। तो अभी मैं काउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। आप देखिए, नॉन एम्प्टी अगर है तो वो दो टाइप का हो सकता है, बोल सकते हैं फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो फाइनाइट दोस्तों कौन होगा, जिसके जो टोटल एलिमेंट्स हैं दोस्तों वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इनफाइनाइट कौन होगा, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट दोस्तों वो है इनफाइनाइट। तो ये तो बात हो गई खत्म। अब जो चीज यहां पे दोस्तों कंफ्यूजन करती है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल अगर ऐसे समझे आसान तौर पे, काउंटेबल कौन भाई, जिसको काउंट किया जा सके वो काउंटेबल, और जिसको काउंट नहीं किया जा सके वो अनकाउंटेबल। तो ये ट्री देख के भी एक बेसिक बात तो समझ सकते हैं, अगर सेट दोस्तों एम्प्टी है तो क्या वो काउंटेबल है? जी हाँ, बिकॉज अगर कुछ है ही नहीं तो ऑफकोर्स काउंट करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं, और नहीं है तो ऑफकोर्स हम बोल सकते हैं हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, इट इज काउंटेबल। या बोल सकते हैं इट कंटेन्स 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमने काउंट कर लिया। अगर सेट के अंदर दोस्तों फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो क्या वो काउंटेबल है? जी हाँ बिल्कुल। तो सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर एग्जाम्पल, आप समझिएगा एक मुश्किल काम है, बट अगर किसी भी स्नैपशॉट को, है ना, एक स्टैंडर्ड सिनेरियो को देखें तो ऑफकोर्स हम उसको काउंट कर सकते हैं। Whether it is number of hairs on a human body, या कोई भी आप एग्जाम्पल लें, ये countable होगा, है ना, अगर finite है। But सवाल ये है, अगर set infinite है दोस्तों, तो क्या वो uncountable होगा? तो क्या finite होना, countable होना एक बात होती है, और infinite होना, uncountable होना एक ही बात? जी नहीं। तो आप समझिएगा यहां actual logical logic कहता है कि अगर दोस्तों set infinite है तो वो फिर भी कभी कभी countable हो सकता है। अब इस बात का देखिए क्या मतलब है, अब मैं एक बार definition
पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ टेक्निकली कि इनफाइनाइट होने के बाद भी हम किसी सेट को काउंटेबल कैसे मान सकते हैं। तो देखिएगा डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, पहले दोनों डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक ही हैं। काउंटेबल की बात करता हूँ, इफ देयर इज अ 1-to-1 मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एंड अ नेचुरल नंबर, अगर उस सेट के एलिमेंट्स और नेचुरल नंबर जो हमारी सीक्वेंस होती है सेट थ्योरी में, अगर उसके बीच में एक 1-to-1 मैपिंग दोस्तों हमारे पास है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सेट है वो काउंटेबल है। यहां पर आप देखेंगे तो मैंने तीनों सेट बनाने की यहां पर कोशिश की है दोस्तों। पहला है नेचुरल नंबर, कैपिटल जेड स्टैंड्स फॉर इंटीजर एंड कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। तो जैसे हम जानते हैं, देखिए नेचुरल नंबर जो है उसकी रेंज जाती है 1 से लेकर दोस्तों इंफिनिटी तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर आप काउंट कर सकते हैं। इंटीजर ऑफकोर्स इनका रेंज जो है वो माइनस इंफिनिटी से दोस्तों जाता है प्लस इंफिनिटी पे, और रियल नंबर भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे भी जाता है, बट हम जानते हैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो ऑफ कोर्स जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि प्लस वन और प्लस टू के बीच में कितने इंटीजर हैं, जी कोई भी नहीं, प्लस वन के बाद अगला इंटीजर जो है वो प्लस टू ही होता है, लेकिन प्लस वन और प्लस टू के बीच में कितने रियल नंबर हैं, तो देयर कुड बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स, उसमें से दो किसी के बीच में कितने रियल नंबर हैं इनफाइनाइट, तो आप जानते हैं यहाँ बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स आपके पास हो सकते हैं। अब देखिए सवाल क्या है, इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट है? देखिए तीनों के तीनों सेट ही हमारे इनफाइनाइट हैं। अब ऐसा समझिएगा, अगर हम कंपेयर करें नेचुरल नंबर को दोस्तों इंटीजर से, है ना, मजेदार सवाल है, आप मुझे बता सकते हैं किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? नेचुरल नंबर इंटीजर में किसका साइज बड़ा है, है ना, वैसे दोनों इनफाइनाइट है। अब एक लॉजिक समझिएगा, अगर ध्यान से आप सोचेंगे, इट इज अ इन्फिनिटी और यहां पर आप बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ टू वे इन्फिनिटी, बिकॉज इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना दोस्तों, तो नेचुरल नंबर और इंटीजर का जो पावर है ना वो बिल्कुल बराबर है। वैसे एक बहुत ही थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बाद में ट्यूरिंग मशीन में भी पढ़ा जाता है, वेदर अ ट्यूरिंग मशीन विद अ वन वे इनफाइनाइट टेप और विद अ टू वे इनफाइनाइट टेप। तो अगर एक तरफ इन्फिनिटी होगी और दोनों तरफ इन्फिनिटी होगी तो क्या दोनों का पावर बराबर होगा? तो दोस्तों आप समझिएगा, अगर आप ध्यान से सोचे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट मी से हमारे पास 4 bits हैं, है ना, यूजिंग 4 bits हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स यू कैन रिप्रेजेंट। अगर मान लीजिए अनसाइंड नंबर की बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से सोचेगा, तो अनसाइंड नंबर आप सोचेंगे तो मेरे ख्याल से 0 से दोस्तों आप जा पाएंगे 15 तक, तो टोटल कितने नंबर हमारे पास हुए 16। अगर मैं साइन नंबर भी बोलूंगा तो लेट मी से अगर हम 2's complement रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं तो सबसे छोटा दोस्तों मान सकते हैं -8 होगा और सबसे बड़ा होगा +7। अगर आप टोटल रेंज देखेंगे दोस्तों अब भी 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही आप बना सकते हैं। तो लॉजिकली समझिएगा, ये दोनों का रेंज जो है दोस्तों एग्जैक्टली बराबर है। वो क्यों? क्योंकि आप समझिए, आप माइनस इन्फिनिटी के पास से कहीं से स्टार्ट करिए, मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करूंगा और एक एक नंबर कट करते जाएंगे, है ना। तो आप समझिएगा, ये पॉजिटिव डोमेन बस थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पर हमने शिफ्ट किया है, मान लीजिए 0 के लेफ्ट में, बट क्योंकि दोनों ही प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो ना ही कभी नेचुरल नंबर खत्म होंगे ना ही कभी इंटीजर। तो अगर हम दोनों में 1-to-1 मैपिंग करने लगे दोस्तों, तो ये मैपिंग जो है वो कभी पूरा नहीं होगा और ना ही इंटीजर कम बचेंगे और ना ही नेचुरल नंबर। तो लॉजिकली ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव साइड में भी जाते हैं, बट दोनों का दोस्तों जो पावर है यानी कि दोनों जो नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे रियल नंबर, तो क्या रियल नंबर की भी पावर जो है वो नेचुरल और इंटीजर जितनी है? जी नहीं। बिकॉज़ आप समझिए, जैसा भी एग्जांपल में ले रहा था कि 1 और 2 के बीच में दोस्तों कितने रियल नंबर हो सकते हैं इनफाइनाइट, तो देयर आर अ नंबर ऑफ या देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, उसमें से किसी दो के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, फिर किसी दो के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो एक्चुअली रियल नंबर्स की जो इन्फिनिटी है दोस्तों वो बहुत सीवियर है कंपेयर टू द इन्फिनिटी ऑफ नेचुरल या फिर इंटीजर नंबर। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। तो अब देखिए हम समझते हैं, ये एग्जांपल से मैं समझ आया कि इन्फिनिटी भी दोस्तों बहुत तरह की हो सकती है और इसको हम बेसिस मानते हैं, बोलते हैं काउंटेबल इन्फिनिटी एंड अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। तो अब काउंटेबल इन्फिनिटी की क्या डेफिनेशन है या काउंटेबल सेट की क्या डेफिनेशन है? हम बोलते हैं अगर सेट के एलिमेंट्स को आप 1-to-1 मैप कर सकें नेचुरल नंबर से, मतलब आप ऐसे गिन सकें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो मान लेते हैं कि दोस्तों वो क्या है, वो काउंटेबल इन्फिनिटी है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो उसको दोस्तों मान लेते हैं अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। नाउ फॉर एग्जाम्पल इमेजिन सेट ऑफ स्टार्स, मैंने आपको भी
एग्जांपल दिया था, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, सब इनफाइनाइट है, बट क्या सेट ऑफ स्टार्स को दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4? तो ऑफ कोर्स काउंटिंग कर सकते हैं, ना ही कभी स्टार खत्म होने वाले हैं, ना ही कभी नेचुरल नंबर, बट ऑफ कोर्स सेट ऑफ स्टार्स कैन बी सेट टू बी अ काउंटेबल इनफिनिटी। तो दोस्तों इनफिनिटी तो है बट काउंटेबल है, बट अगर इनफिनिटी इतनी सीवियर हो जैसे रियल नंबर का एग्जांपल आपके पास है कि दोनों डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट जा रहा है, उसके बीच में कहीं तक भी जा सकते हैं, तो उसको दोस्तों बोलते हैं अनकाउंटेबल इनफिनिटी या फिर अनकाउंटेबल सेट। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं पूरा लॉजिक। सेट दो तरह का हो सकता है, एम्प्टी है तो पक्का काउंटेबल है, नॉन एम्प्टी है तो फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट है तो भी काउंटेबल है, अगर इनफाइनाइट है तो दोस्तों काउंटेबल कब होगा? तो यही सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अगर उसके एलिमेंट को 1 to 1 करके हम काउंट करें विद नेचुरल नंबर, तो मान लीजिए एक एलिमेंट लिया, एक नेचुरल नंबर लिया, फिर एक एलिमेंट लिया, फिर एक नेचुरल नंबर लिया, अगर इस तरह का हम 1 to 1 मैपिंग कर पा रहे हैं तो दोस्तों हम बोल सकते हैं सेट काउंटेबल है इनफाइनाइट होने के बाद भी, वरना हमको मानना पड़ेगा सेट अनकाउंटेबल है। सेट थ्योरी में इस पर बहुत डिटेल्ड में जाने की जरूरत नहीं है, वरना इसके और भी बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं, तो जब हम अपनी टीओसी की वीडियो सीरीज कंटिन्यू कर रहे होंगे तो वहां पर इसका दोस्तों डिटेल्ड डिस्कशन आपसे करूंगा। तो लेट मी से सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, सेट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, काउंटेबल होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, सिग्मा स्टार इन्फिनिटी है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है, तो सारा डिस्कशन वहां इसको अच्छे से करने वाले हैं, बट मेरे ख्याल से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी इतनी नॉलेज होना सफिशियंट है। तो दोस्तों मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ, जहां फाइनली आपसे बात करूंगा नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या लॉजिक है, और इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।